अस्सलाम वालेकुम यार एंड वेलकम बैक टू टेक का चैनल। आज मैं जैकेट वगैरह पहन के खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है आज। खैर, आज हम चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 का। अब ये कोई बहुत ज़्यादा फेमस या फिर डिमांडिंग जो वीडियो है या फिर टॉपिक है वो नहीं है। एक मेरे भाई जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर मांग रहे थे चार्जिंग टेस्ट नोट 11 का, तो इसलिए मैंने कहा यार बना देते हैं क्योंकि आपको तो नाराज़ नहीं करना और चाहे दुनिया में जो भी हो जाए। तो यार आज हम जो चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं ये मैं 2% से लेकर 100% तक इस फ़ोन को चार्ज करूँगा और आपको साथ साथ क्लिप्स दिखाऊंगा कि किस तरह ये फ़ोन जो है ना कितनी स्पीड से चार्ज हो रहा है। अब अगर शुरू करें ना तो इस फ़ोन को मैंने 2% बैटरी के साथ 6:45 के ऊपर चार्जिंग के ऊपर लगाया था और आप देख सकते हो वीडियो क्लिप के अंदर। अब अगर हम वेट करें तकरीबन 10 मिनट के बाद इस फ़ोन को जब मैंने चेक किया था तो 2% से बढ़ के इस फ़ोन की चार्जिंग 10 मिनट के अंदर 19% के ऊपर पहुँच गई। तकरीबन 17% बैटरी जो है ना वो बड़ी थी तकरीबन सिर्फ 10 मिनट के अंदर, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है स्टार्टर के लिए। अब अगर बात करें सेकेंड गैप की तो सेकेंड गैप के अंदर तकरीबन 20 मिनट का मैंने गैप लिया था। अब हमारे पास टाइम है 7:20 और फ़ोन की चार्जिंग 19% से बढ़ के अगले 20 मिनट के अंदर पहुंच चुकी है 47% के ऊपर। कुल मिलाकर अगर आप टाइमिंग यहां पे कैलकुलेट करो तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर इस फ़ोन ने हमें चार्जिंग जो प्रोवाइड की है ना वो है यहाँ पर 45%, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है यहाँ तक। लेकिन एक पॉइंट आपको पता होगा कि जब भी किसी फ़ोन के अंदर 33 वॉट या फिर इससे भी ज़्यादा वॉट की फ़ास्ट चार्जिंग इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उस फ़ोन की जो इनिशियल चार्जिंग वह बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, मतलब 0 to 50 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद चार्जिंग स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लग जाती है और अगर बात करें हम 90 to 100 तो वो वाला जो टाइम है ना फ़ोन बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है चार्ज होने में, ताकि बैटरी की जो हेल्थ है उसको बरकरार रखा जाए और फ़ोन जल्दी डीग्रेड ना हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप फ़ोन को यूज़ कर पाओ। खैर, अब 7:00 हमारे पास 20 मिनट हो चुके थे तो 10 मिनट का एक और गैप लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फ़ोन हमें कितनी चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब यार यहाँ पे एक्चुअली मैंने 15 मिनट का गैप लिया है और 15 मिनट के बाद 47% से बढ़ के फ़ोन की चार्जिंग हो चुकी है 71%। बहुत अच्छी यहाँ पर स्पीड जा रही है ओवरऑल 33 वॉट के हिसाब से। खैर यार, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है ना, हम 30 मिनट का गैप लेके आ चुके हैं और फ़ोन की चार्जिंग 91% हो चुकी है। टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर 6:45 के ऊपर चार्जिंग स्टार्ट हुई थी, अब तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 8:00, मतलब ये कि 1.25 घंटा हो चुका है, 1 घंटा 15-20 मिनट और ये फ़ोन 90% के ऊपर आ चुका है। अब जो अगला पार्ट है ना इस फ़ोन की चार्जिंग का, उसको आप क्रिटिसाइज़ ना ही करो, बिकॉज जो अब आपके पास चार्जिंग मौजूद है 90% 1 घंटा 15 मिनट के अंदर, ये बेसिकली 33 वॉट का कमाल है। अगले वाला जो हिस्सा होगा ना ये 10 वॉट के ऊपर चार्ज होने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ। अब अगर बात करें 8:00 के बाद ये फ़ोन 100% कब हुआ, तो तकरीबन 22 मिनट इस फ़ोन को चार्ज होने में लगे और अगर ओवरऑल टाइमिंग की बात करें तो 1 घंटा 37 या फिर 40 मिनट आपको इस फ़ोन का फुल चार्ज करते करते लगेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर कंक्लूजन की बात करें तो मेरे ख्याल से इस फ़ोन को अगर आप हाफ चार्ज करते हैं 60 या 70% अगर इस फ़ोन को चार्ज करके आप यूज़ करेंगे तो आपको टाइमिंग भी अच्छी खासी मिल जाएगी और फास्ट चार्जिंग का भी आप यूज़ ले पाएंगे। अगर 100% चार्ज की बात करते हैं तो आखिरी 10% हर फ़ोन के अंदर तकरीबन स्लो चार्ज होती है, तो उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ओवरऑल 33 वॉट अच्छे से काम करती हुई नज़र आती है इस फ़ोन के अंदर और एक्टिवेट भी आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और यार कमेंट कर देना आप मांग रहे थे चार्जिंग टेस्ट आगे आपके लिए। ओके यार, अल्लाह हाफिज़।